दोस्तों सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स में अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि शो का हर एक कंटेस्टेंट आगे निकलने में लगा है। कंटेस्टेंट सोफे किंग जेड अली भी शो में बने रहने के लिए अपने एक से बढ़कर एक बेहतरीन और दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जी हाँ, शो के मंच पर जेड अली की परफॉर्मेंस को शो के जजेज और दर्शकों का भी खूब प्यार मिल रहा है। आपको बता दें कि कंटेस्टेंट जेड अली को सूफी किंग कहा जाता है, क्योंकि जेड अली शो में ज्यादातर सूफियाना सॉन्ग्स पर ही अपनी प्रस्तुति देते हैं। लेकिन दोस्तों सूफी किंग जेड अली अब बॉलीवुड किंग भी बन चुके हैं। जी हाँ, बता दें कि शो के जूरी चैलेंज स्पेशल एपिसोड में कंटेस्टेंट जेड अली ने इस बार सूफी सॉन्ग नहीं बल्कि एक बॉलीवुड सॉन्ग गाया था, वो भी रफी साहब का। दरअसल जूरी टीम के मेंबर यूवी ने जेद को एक बॉलीवुड सॉन्ग गाने का चैलेंज दिया था, जिसे जेद ने बखूबी निभाया और शो के मंच पर अपनी शानदार और यादगार प्रस्तुति दी, जिसने सभी के दिलों को छू लिया। शो के जज हिमेश रेशमिया ने तो जेद के इस गाने के लिए उनकी खूब तारीफ की, वो भी शायराना अंदाज में। जी हाँ, वैसे आपको बता दें कि जेड अली ने बॉलीवुड सॉन्ग चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे गाया था। दोस्तों जेड ने रफी साहब का ये गाना इतनी सुरीली और दिल को छू लेने वाली आवाज में गाया तो यह भी साबित कर दिया कि जेड अली सिर्फ सूफियाना सॉन्ग ही नहीं बल्कि बॉलीवुड का कोई भी सॉन्ग अपनी आवाज में गा सकते हैं। जेड अली सूफी किंग ही नहीं बल्कि अब बॉलीवुड किंग भी बनने वाले हैं, क्योंकि जेड अली अब सूफियाना सॉन्ग ही नहीं बल्कि बॉलीवुड का कोई भी सॉन्ग गा सकते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपने जवाब कमेंट करके जरूर बताएं।